फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेह। टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। बगीचे में या पेड़ों पर जहाँ भी खूबसूरत फूल लगे होते हैं, तितलियाँ आती रहती हैं। रंग बिरंगे पंखों वाली फूलों के ऊपर उड़ती तितलियाँ बगीचे की शोभा को और बढ़ाती हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी को ये पसंद आती हैं। तितलियों के आने से बगीचे में कितने फ़ायदे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि तितलियों से भी हमारे बगीचे को नुकसान हो सकता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे तितलियों से होने वाले फ़ायदे के साथ साथ पौधों को क्या नुकसान होता है। तितलियों का और फूलों का संबंध काफ़ी गहरा है। तितलियां फूलों का रस पीना पसंद करती हैं, इनका यही भोजन है। तितलियों से होने वाला सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये अनजाने में ही पोलिनेटर का काम करती हैं। जब ये एक फूल पर बैठती हैं, उस फूल के परागकण इनके पैरों में लग जाते हैं। वहाँ से उड़कर जब ये दूसरे फूल पर बैठती हैं, वही परागकण वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जिससे पोलिनेशन होता रहता है। जहाँ कहीं भी फूल लगे होते हैं, दूर से ही ये उसकी खुशबू पहचान लेती हैं। फूलों में भी कुछ फूल ऐसे होते हैं जो इन्हें ज़्यादा पसंद होते हैं। लौकी, तुरई, कुमड़े जैसी सब्जियों के फूल इन्हें काफ़ी पसंद होते हैं। पॉलिनेशन होने से इन सब्जियों में हमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तितलियाँ तरह तरह की होती हैं, जिनके रंग भी अलग अलग होते हैं। पर्सलेन के फूल जहाँ भी लगे हुए होते हैं, काली और सफ़ेद रंग की ये तितली वहाँ अक्सर दिखाई देती है। आगे हम देखेंगे इन तितलियों से होने वाले नुकसान। फूलों पर घूमती हुई तितलियाँ पौधे की पत्तियों के पीछे अंडे देती हैं। पत्तियों के पीछे छुपे हुए ये अंडे अक्सर दिखाई नहीं देते। कुछ ही दिनों में ये अंडे तैयार हो जाते हैं और फूट जाते हैं। अंडों के अंदर से तितलियों के बच्चे निकलते हैं, जिन्हें हम लार्वा कहते हैं। पर्सलेन के फूलों के ऊपर काली सफ़ेद तितली जो उड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके अंडे में से निकले हुए ये लार्वा हैं। ये कैटरपिलर नाम से जाने जाते हैं, हिंदी में इन्हें कमला कहते हैं। काले रंग पे सफ़ेद और नारंगी बिंदियों वाला ये कैटरपिलर आप जो देख रहे हैं, देखने में इतना सुंदर है लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है। पौधे की पत्तियों को ये काफ़ी तेज़ी से खाते हैं, रात भर में पौधे का सफाया कर देते हैं। तितली गुच्छों में अंडे देती है, जिसमें से एक साथ बहुत सारे कैटरपिलर निकलते हैं। जिन पत्तियों को ये सबसे ज़्यादा खाते हैं, उनमें सबसे पहला नाम रेन लिली का है। रेन लिली के पौधे जहाँ लगे होते हैं, ये तितलियाँ इसी के आसपास अंडे देती हैं। गुलाबी, सफ़ेद और पीले तीनों रंग के रेन लिली के पौधों को मैंने अलग अलग पॉलीथीन में रखा था, जिससे इसके बल्ब मल्टीप्लाई होते रहेंगे। बारिश शुरू होने पर एक दो फूल ही खिल पाए थे, सारे पौधों का सफाया हो गया। रेन लिली के पौधों में भी गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूलों वाली पत्तियां इन्हें ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पीले रंग के रेन लिली की पत्तियां बहुत सारी बची रह गई थी। अंडे में से निकलने के बाद ये लगातार पत्तियों को खाते हैं, जब तक पूरी पत्तियां ख़त्म नहीं हो जाती। पत्तियों को खाते जाते हैं और हरे रंग का ही वेस्ट निकालते जाते हैं, जो मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो अच्छा है, इन पौधों के बल्ब होते हैं जो ज़मीन के अंदर बचे रहे। बारिश का मौसम अभी बाकी था,
कुछ दिन बारिश होते रहने पर नए नए पौधे निकल आए, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। इसी जगह पर तितलियों ने फिर से अंडे दे दिए। सफ़ेद रंग के ये तितलियों के अंडे हैं। कुछ पौधे जो बचे थे वो भी ख़त्म हो गए। मिट्टी में जो होल दिखाई दे रहा है उसी में छुपकर ये रहते हैं। रेन लिली की कुछ पत्तियों को जब मैंने कटा हुआ देखा, मुझे ख़राब तो बहुत लगा, लेकिन इंसेक्टिसाइड मैंने इसलिए नहीं डाला, बहुत सारी तितलियां एक साथ मर जाएंगी। पत्तियों को लगातार खाते रहने के बाद ये अपने ऊपर एक खोल सा बना लेते हैं, जिन्हें हम प्यूपा कहते हैं। प्यूपा के अंदर ही तितलियों के बच्चे तैयार होते हैं। ये खोल काफ़ी कड़ा होता है, पेड़ पौधों पर पत्तियों और लकड़ी के सहारे लटका हुआ रहता है। पूरी ग्रोथ हो जाने के बाद इनसे तितलियां बन जाती हैं और बाहर निकलकर उड़ जाती हैं। ये नेचर है, बगीचे में कभी कुछ अच्छा तो कभी कुछ ख़राब एक्सपीरियंस होता ही रहता है। नुकसान तो कभी कभी होता है, तितलियों से जो फ़ायदे हमें मिलते हैं वो इससे ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं बगीचे में तितलियां आती रहें, तो इनकी पसंद के फूलों को लगाते रहना चाहिए। पर्सलेन के अलावा गेंदा, मधुमालती जैसे फूलों पर भी ये ज़्यादा आती हैं। इनकी पसंद के कौन से फूल आप अपने बगीचे में लगाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।